तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई आज गेम प्ले भाई मस्त होने वाला है। आप ये वीडियो पूरा देखना और भाई लावा Z6 में आप पबजी कैसे खेल सकते हो वो भी बोलेंगे। तो भाई ये गेम प्ले मैंने फिलहाल रिकॉर्ड किया है Realme X2 से। तो भाई मुझे फिलहाल Realme 45 मिल गया है। अभी फिलहाल पूरा रस करते हैं। अरे भोसड़ी के पूरा ही रास होता है, आधा कैसे होता है? तो भाई कुल मिला के जॉर्जो पुल में भाई 4 स्क्वाड उतरा है। तो आप देखिए इन लोगों को कैसे भरता हूँ। तो भाई इतना स्क्वाड आने के बाद भाई एंड्रॉयड फ़ोन में कोई जान नहीं रहता है, आपको पता ही है। तो उसका ऊपर से भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। इस गेम प्ले को पूरा देखना भाई, और आपको मैं बता भी दूंगा लावा Z6 में कैसा गेम प्ले चलेगा मेरा ओपिनियन से। तो भाई ये कैंपर को मारने के बाद भाई सामने जाते हैं रस करने। तो भाई अगर आप Z6 खरीदोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसका ग्राफिक्स है जो लो है। मतलब आपको ग्राफिक्स मिलेगा पबजी में तो 30 FPS तक मिल जाएगा। अगर आप GeForce 2 लगा के खेलोगे तो आपको 60 FPS मिल जाएगा, पर तब भी आपको बहुत गेम लैग करेगा। अगर आप भाई नॉर्मल गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो भाई आप खुद ही देख सकते हो एंड्रॉयड में रिकॉर्ड करने से और पबजी खेलने से क्या होता है। मैं नॉक होते होते बच गया पूरा, मतलब गेम पूरा लैग कर रहा है। तब भी भाई बहुत मेहनत से भाई गेम प्ले बनाया है। भाई गेम प्ले को पूरा देखना, वीडियो को भी लाइक करना। तो भाई मेरा दोस्त अभी पूरा स्क्वाड वहाँ का साफ कर दिया। तो इधर एक फिलहाल बॉड आता है, उसको मारने के बाद भाई आगे रस करते हैं। तो भाई मैं जॉर्जो पुल से पोचिन की तक हटते हटते जाता हूँ, दौड़ते दौड़ते जाता हूँ, मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिलता। तो भाई फिलहाल ये छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ लावा Z6 में आपको पबजी कैसे चलेगा। तो भाई लावा Z6 आपको लेना चाहिए कि नहीं, पहला मैं बोलता हूँ आपको लेना चाहिए क्यों, फिर बोलूँगा आपको क्यों लेना नहीं चाहिए। अगर भाई आप पबजी नॉर्मल खेलते हो तो आप ले सकते हो, उसमें आप GeForce 2 लगा के आप नॉर्मली आप पबजी खेल सकते हो। अगर आपको लेना नहीं है क्यों, मैं ये बता रहा हूँ। आप अगर आप भाई कॉम्पिटेटिव खेलते हो तो कस्टम रूम, आप पता है भाई कस्टम रूम क्यों खेलते हैं भाई, आप खुद को ग्रो करने के लिए। अच्छे से खेलूँगा, परफॉर्मेंस दिखाऊंगा भाई, PMC में जाऊंगा भाई, PMC का ट्रॉफी जीतूंगा भाई, इंडिया में नाम होगा भाई, सब कुछ बोल दिया भाई। अगर आप इसलिए फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो भाई ये फ़ोन ख़रीदना ही मत, मतलब आप एक गेम भी अच्छे से नहीं खेल पाओगे। लॉबी का एक बार गया। तो भाई मैं इतना गधा हूँ ना, एक गाड़ी मिला था वो भी भाई फाड़ दिया इस एनिमी को मारने के चक्कर में। तो भाई जॉर्जो पुल से पोचिन की तक आगे एक गाड़ी नहीं मिला, फिर भाई बगी ये सामने मिला, फिर अभी फिलहाल आगे रस करते हैं और एक ठो बगी लेके। तो भाई बहुत घूमने के बाद स्कूल अपार्टमेंट पे बंदा दिखा, चलो इन लोगों को भी मारते हैं।
तो भाई इस एनिमी का गांड में बहुत चूल था, इसलिए भाई मुझे देखते ही ऊपर से जंप करके मुझे मारने का कोशिश, पर मारने का कोशिश बिल्कुल गांड में घुस गया उसका। तो भाई अभी फिलहाल ऊपर में दो एनिमी है, देखो इससे मैं कैसे नॉक होता हूँ। तो भाई मेरा बंदा 1v2 कर दिया, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा से मैं नॉक होके टीवी लेके साइड से देख रहा था। तो भाई ओपी 1v2 कर दिया और इधर मैं बच गया। तो भाई आगे भी दूसरा अपार्टमेंट पे भी बंदा आ गया, चलो इन लोगों को भी कैसे मारते हैं देखो। जितने बंदे सारे बंदे ले डूबेंगे हम लोग। एक अच्छा बाजू बाजू तो भाई बंदा देख रहे हो कैसे पिग लेके है, मतलब देखने से ही मरेगा। तो भाई मैं मौली भाई कहाँ फेंक देता हूँ, मेरा खुद का टीममेट भाई जल के नॉक हो जाता। तो भाई मेरा टीममेट भी यहाँ भी 1v2 कर देगा आराम से। तो भाई डॉब लेने के बाद भाई चलो फिर से रश करता हूँ। तो भाई फिलहाल सामने फुल स्क्वाड है, चलो इन लोगों को भी लॉबी पहुंचा देते हैं। तो भाई फिलहाल मेरे टीममेट को अभी नॉक करके फिनिश भी कर देगा भाई दोनों को पास। M249 मतलब गधा जैसा बंदूक, बिना मतलब का काम जैसे करता है वो, बिना मतलब का चल ही जाता है चल ही जाता है। देखो नॉक और दूसरा बंदा फिनिश कर दिया। तो इन लोगों को भी तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लूटेंगे एक ऊपर। तो भाई जितना तक मरा नहीं मैं तो गोली भाई चलाते ही गया बैरल करते 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 करते, साला को पूरा पहुंचा दिया लॉबी, मतलब अपना टीममेट का भी खेला देख रहा है वही दिक्कत हो। हल्का नीचे की तरफ चा, हल्का नीचे की तरफ चा, हल्का नीचे से रोटेट मारना। तो भाई आपको पता ही, अगर जो गांड में लगा तो भाई आपका गांड जला देगा, तो इसी का डर से भाई मैं भाग के इधर आ गया। तो भाई बंदा भी फिलहाल उस पेड़ में आ गया, पूरा जो लास्ट वाला पेड़ आपको देख रहा है उसमें आ गया। तो इसको भी कैसे मारते देखो, क्लोज में फाइट लेंगे, दूर से भी मार सकते थे लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही वेट कर गया इसलिए मार नहीं सका। तो भाई बंदा गौर से देखिए, सिर्फ दो गोली मारा मेरा डैमेज देखो भाई कितना, और मैं उसको कितना गोली मारा फिर वो मारा। तो भाई अभी लास्ट एनिमी फिलहाल बाकी है, चलो तो इसको स्पॉट कर लिए बेचारा, गोली चला दिया तो इसको भी अभी फिलहाल मार देते हैं। व्हीकल क्यों छोड़ दिया, गाड़ी क्यों छोड़ दिया। तो भाई अगर अब ये गेम प्ले पूरा देखे हो तो भाई कमेंट में लिखो सुपर SUPER, लिखो मुझे समझ में आ जाएगा आप पूरा गेम प्ले देखे हो।